लेट्स मेक अ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले पिज़्ज़ा ब्रेड लेंगे दो। यहाँ पे मैंने चीज़ ग्रेट कर दिया है, मेयोनीज, सेज़वान सॉस, केचप। चिकन को मैंने मैरिनेट करके फ्राई किया है शिमला मिर्ची, और ऑनियन को भी मैंने रोस्ट कर दिया है। ये सब इंग्रेडिएंट हम पिज़्ज़ा में ऐड करके सब मिक्स करेंगे। अभी वन बाय वन इसमें हम सारी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे मेयोनीज, ओके। सो मेयोनीज हमारी डल गई है। इस वाले में थोड़ी ज़्यादा पड़ गई थी तो हम इसमें डाल देंगे और दोनों को हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इग्नोर बैकग्राउंड वॉइस गाइस। अब इसमें भी हम इसे अच्छे से फैला देंगे। अच्छी चीज़ी हमारी पिज़्ज़ा बनना चाहिए। नो कंजूसी, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। मेयोनीज का बेस हमारा रेडी है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हमारा केचप। केचप निकल जा भाग। ये भी हमने इसमें केचप डाल दिया है। वेट, अभी मिक्स नहीं करेंगे, अभी हम ऐड करेंगे सेज़वान सॉस थोड़ा सा। ओहो थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो इसका हम लेके इसमें डाल देंगे। इसको भी हम मिक्स करेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स, इसमें भी मिक्स करेंगे। अगर जिसके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो वो केचप और सेज़वान चटनी डाल के भी अपना बेस सॉस बना सकता है। ठीक है, देखिए हमारा पिज़्ज़ा सॉस प्रॉपर हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा चिकन, शिमला मिर्च, ऑनियन का बैटर। इसमें हम डालेंगे, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, अच्छे से डालेंगे। इसे डालने के बाद हम फाइनल बताते हैं। तो टॉपिंग हमारी अच्छे से हो गई है और इसके ऊपर हम पहले मेयोनीज और फिर हमारा मेन इंग्रेडिएंट चीज़ डालेंगे। रेडी। सारी चीज़ मैंने ग्रेट की, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। मेरी बेटी के लिए बन रहा है पिज़्ज़ा, शी लव्स पिज़्ज़ा।
मुझे कितने दिन से बोल रही थी मम्मा पिज़्ज़ा मम्मा पिज़्ज़ा, तो मैंने सोचा वाई नॉट मैं इसको घर पे बना के दूँ। घर वाला ज़्यादा अच्छा हेल्दी होता है और अच्छा हाइजीनिक होता है, बाहर पता नहीं कैसे बनाते होंगे। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं, एज आई सेड। चीज़ मैंने अच्छे से इसमें फिल कर दी हूँ। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की मैंने। अभी मैं बताऊँगी उसको बेक कैसे करते हैं विदाउट ओवन। सो मैंने गैस पे मैंने तवा रख दिया है। ये तवा जो है बिल्कुल भी गंदा नहीं है, बिकॉज़ मैंने इसमें चिकन फ्राई की थी, तो बिल्कुल भी गंदा मत समझना। इसी तवे पे हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। अब इसे मैंने गरम होने रख दी हूँ, अच्छे से गरम हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें पिज़्ज़ा लगाएंगे। चलो तवा हमारा गरम हो गया है, अभी हम इसमें रखेंगे पिज़्ज़ा। गैस को हमें करना है स्लो, और इसमें हम ढक्कन ढाक देंगे। ऐसे ढक्कन ढाकेंगे जैसे ढक्कन से चीज़ चिपक ना जाए, तो हम थोड़ा ऊंचा वाला ढक्कन ढाकेंगे। यहाँ पे मैंने ले ली प्लेट, प्लेट से हम इसको ढाक देंगे। जब तक हमारी चीज़ मेल्ट नहीं होती तब तक इसे हम ढके रहेंगे। चलो चीज़ हमारी तो मेल्ट हो गई है, पिज़्ज़ा भी प्रॉपर बन गया है। अभी मैं आपको कट करके बताती हूँ, बहुत ही चीज़ी पिज़्ज़ा बना है।